हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैप्टर एनिमल किंगडम, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। पिछले लेक्चर में हमने फाइलम पॉलीफेरा के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो फाइलम के बारे में, जिसमें से एक है फाइलम सिलेंटेरेटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया, और दूसरा छोटा सा फाइलम है बेटा, दैट इज फाइलम टेनोफोरा। हर फाइलम के एक एक छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम वीडियो में बराबर ध्यान देंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ना फाइलम सिलेंटेरेटा, पहली बात हैबिटेट, ये जानवर कहाँ पाए जाते हैं? ओके, सो ये जानवर मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। मरीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर। नेक्स्ट, सम ऑफ दीज एनिमल्स आर सेसाइल और सम ऑफ देम आर फ्री स्विमिंग, यानी कुछ कुछ है ना सेसाइल होते हैं। सेसाइल मीन्स देर अटैच टू द बॉटम। जैसे अगर हम लोग ये वाला फोटो देखें तो ये हमेशा है ना बॉटम में अटैच रहता है, और जैसे ये वाले फोटो देखें तो ये क्या है, फ्री स्विमिंग है, दीज आर फ्री फ्लोटिंग। ओके, नेक्स्ट, सिमेट्री के हिसाब से देखें तो सिलेंटेरेटा में व्हाट वी विल फाइंड इज रेडियल सिमेट्री। हियर द बॉडी ऑफ द एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स थ्रू एनी प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। जैसे ये वाले ऑर्गेनिज्म को देख लो, इसको अगर ऐसे कट करें टू इक्वल पार्ट्स, ऐसे कट करें तो फिर भी टू इक्वल पार्ट्स, क्रॉस में कट करें थ्रू एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट्स व्हाई रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट, सिलेंटेरेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया। इसका दूसरा नाम रखा है निडेरिया। क्यों निडेरिया नाम रखा है? क्योंकि इसके पास होता है निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स। बच्चों बायो के हिसाब से ना ब्लास्ट का मतलब होता है इमेच्योर सेल और साइट का मतलब होता है मेच्योर सेल। जैसे एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट मतलब इमेच्योर आरबीसी, और एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी मेच्योर आरबीसी। ओके, सो इनके पास निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स होता है, और उस निडोब्लास्ट और निडोसाइट के ऊपर कांटे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलेंगे नेमाटोसिस्ट, और ये नेमाटोसिस्ट इनके टेंटैकल्स पे होते हैं। सर टेंटैकल्स क्या है? सिंपल, टेंटैकल्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस जानवर को देख, यू कैन सी ऐसा बहुत सारे इसके टेंटैकल्स निकल रहे, तो इसके एक एक टेंटैकल्स के ऊपर कांटे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए नेमाटोसिस्ट। और ये जो नेमाटोसिस्ट है ना, इसको चुभो के ये अपने शिकार को पकड़ता है। ओके, और ये सारे के सारे जो सेल्स है इसके टेंटैकल्स के ऊपर, दे आर कॉल्ड एज निडोब्लास्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज निडोसाइट्स। निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स की वजह से इसका नाम निडेरिया पड़ रहा है बेटा। और इसका फंक्शन क्या है? निडोब्लास्ट इसको एंकोरेज करवा के देता है, एंकोरेज यानी टू फिक्स। ओके, अब बड़े बड़े समुद्र के जहाज में तुमने देखा होगा कि उनके पास ऐसा मेटल का हेवी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो जहाज में डाल दें तो जहाज वहीं फिक्स हो जाता है, और समुद्र में इधर उधर हवा या पानी की वजह से डोलता नहीं है, तो उसको हम एंकर बोलते हैं। सो एंकर करना यानी फिक्स करना, सो निडोब्लास्ट एंकरेज करवा के देगा। दूसरा, डिफेंस में भी काम आता है यानी बचाव के लिए, और तीसरा प्रे को पकड़ने के लिए यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट, सिलेंटेरेटा में यू विल फाइंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसके पास सेल्स भी है और टिश्यू भी है, एंड दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है, इनके बॉडी में सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स बनते हैं, बाहर वाला एक्टोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म। मीजोडर्म इनमें एब्सेंट होता है, याद रखने का। नेक्स्ट, कैविटी की अगर बात करें तो सिलेंटेरेटा में दे हैव अ सेंट्रल कैविटी विच इज कॉल्ड एज गैस्ट्रो वैस्क्यूलर कैविटी। इनके कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, एंड दे हैव सिंगल ओपनिंग माउथ विच इज प्रेजेंट ऑन हाइपोस्टोम। ये एमसीक्यू याद रख बेटा। इनके डाइजेशन की अगर बात करें तो इनमें दोनों तरह का डाइजेशन है बेटा। ओके, वी विल फाइंड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन एंड इवन एक्स्ट्रासेल्यूलर डाइजेशन बेटा। ओके, अच्छा, इनमें कुछ कुछ जानवर होते हैं जिनका नाम है कोरल्स। कोरल्स कैल्शियम कार्बोनेट के लिए बहुत जाने जाते हैं, और आयुर्वेदा में और अलग अलग ब्रांच ऑफ मेडिसिन में कोरल्स आर यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम टैबलेट्स एंड कैल्शियम मेडिसिन बेटा। इन जानवर के दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप फॉर्म और दूसरा होता है मेड्यूसा फॉर्म। अच्छा बच्चों, अब यहाँ ये फोटो देख लीजिए,
एनसीईआरटी टेक्सटबुक के फोटो भी नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो ऊपर के चार फोटो को ध्यान से ऑब्जर्व करो। सिलेंटरेटा में जो जानवर होते हैं ना, वो दो फॉर्म, दो आकार के होते हैं। एक होता है पॉलीफॉर्म, पॉलीफॉर्म ये वाला फॉर्म है। अच्छा, पॉलीफॉर्म से तुम क्या सीख रहे हो कि ये फॉर्म ना सेसाइल होता है। सर सेसाइल मतलब सिंपल, तो देख ना बेटा, सेसाइल यानी फिक्स्ड, यानी समुद्र की गहराई को चिपका रहेगा ना ये फॉर्म। ओके, तो ये वाला फॉर्म क्या हुआ, ये इसका पॉलिप फॉर्म है बेटा। अच्छा, अब ये वाले फॉर्म को देखो, ये फॉर्म जो है ना, ये कैसा है, ये अम्ब्रेला शेप है। ओके, इस फॉर्म को हम बोलते हैं मेड्यूसा। और मेड्यूसा सेसाइल कैसे फिक्स होता है, वैसे अम्ब्रेला शेप थोड़ी फिक्स है। तो ये कैसा होगा, ये होगा फ्री फ्लोटिंग, या तो हम लोग इसको फ्री स्विमिंग भी बोल सकते हैं बेटा। अच्छा, पॉलिप फॉर्म का एग्जाम्पल, अब ये वाला जो जानवर है ना, द एग्जाम्पल इज एडेंसिया। और मेड्यूसा फॉर्म का ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जानवर है ऑरेलिया। एक एमसीक्यू याद रखेंगे कि ऑरेलिया का और एक नाम है, ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेलीफिश। याद रखना, जेलीफिश इज नॉट अ फिश, इट इज अ सिलेंटरेट। ओके, क्योंकि फिशेस ना क्लास स्पाइसेस में आता है, जो आने वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा बच्चों, पॉलीफॉर्म में एडेंसिया एक एग्जांपल है। एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल याद रखना टेक्स्ट बुक के हिसाब से, दैट इज हाइड्रा। अब कमाल की बात ऐसी है कि इनमें कुछ कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म होते हैं, पॉलीफॉर्म मेड्यूसा फॉर्म दोनों होते हैं। ओके, सो ऐसे में व्हेन दे हैव बोथ फॉर्म्स, सो दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो व्हेन दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। सो मेटाजेनेसिस मींस दे आर गोइंग टू शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, इनमें क्या होता है ना कि पॉलिप फॉर्म प्रोड्यूसेस मेड्यूसा फॉर्म एसेक्सुअली एंड उल्टा, मेड्यूसा फॉर्म प्रोड्यूसेस पॉलिप फॉर्म सेक्सुअली। यानी जो पॉलिप वाला फॉर्म है ना, जब ये एसेक्सुअली डिवाइड होता है तो ये मेड्यूसा फॉर्म को आकार, मेड्यूसा जैसे आकार को जन्म देता है, दैट इज अम्ब्रेला शेप। फिर ये मेड्यूसा वाला फॉर्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ना, तो ये पॉलिप वाले फॉर्म को जन्म देता है। इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ फॉर्म को हम बोलेंगे मेटाजेनेसिस। और इस मेटाजेनेसिस का कमाल का एग्जांपल एक जानवर है जिसका नाम है ओबेलिया। ओबेलिया इज द एग्जांपल फॉर इट विच वी आर गोइंग टू रिमेम्बर, ये नीट एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा। ओके, चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब सिलेंटरेटा में ढेर सारे एग्जांपल है, जैसा कि हम लोग बात करें, ये चैप्टर में एग्जांपल्स है ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है याद रखना। अब सिलेंटरेटा का एग्जांपल हम लोग अपने स्टाइल में याद रखेंगे, दिमाग में बैठा के रखेंगे। हमारा चोटी, चाणक्य चोटी, हाँ चोटी इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, चोटी दिमाग का बत्ती जलना मांगता है। अब एग्जांपल में हम लोग एक सेंटेंस याद रखेंगे कि एडम नाम के इंसान ने 5 पेन लाया, किसके लिए लाया, फॉर द गॉर्जियस मीना, उसकी दोस्त मीना जो बहुत खूबसूरत है। सो एडम गॉट 5 पेन फॉर द गॉर्जियस मीना। अच्छा, अब ये कैसे हमारी मदद करेगा, एडम से हमको याद आना चाहिए, फर्स्ट एग्जांपल इज एडम्स, 5 पेन, 5 से हमको याद आना चाहिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइजेनिया, 5 5, फिर पेन से हमको याद आना चाहिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज पेनाट्यूला, फिर गॉर्जियस से याद आना चाहिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज गॉर्गोनिया, मीना से याद आना चाहिए, लास्ट एग्जांपल इज नियांड्रिना। एडम गॉट 5 पेन फॉर गॉर्जियस मीना, सिलेंटरेटा का हो गया स्वाहा, सारे एग्जांपल्स इधर खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब एडेंसिया, एडेंसिया का दूसरा नाम है सी एनिमोर। फाइजेलिया इज कॉल्ड एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। पेनाट्यूला इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी पेन। गॉर्गोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी फैन।
एंड मियांड्रिना इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन पोरल. चलिए मूविंग ऑन. नेक्स्ट फाइलम टेनोफोरा. टेनोफोरा इज कॉमनली कॉल्ड एज सी वॉलनट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोम्ब जेलीज. दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ये भी हमको खारा पानी में मिलेगा बेटा. इनका बॉडी भी रेडियली सिमेट्रिकल है. दैट मीन्स द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर. नेक्स्ट डिप्लोब्लास्टिक. दैट सेज द बॉडी शोज ओनली टू जर्म लेयर्स. दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. मेसोडर्म इज एब्सेंट. दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट. टेनोफोरा शोज एट रोज ऑफ एक्सटर्नल सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स. इट शोज एट रोज ऑफ एक्सटर्नल सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स. ऐसा है ना, एट रोज है इसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर का जो इसको लोकोमोशन में मदद करता है, यानी मूवमेंट में मदद करता है इधर एट याद रखने का. नेक्स्ट इनका डाइजेशन की अगर बात करें ना बेटा, तो इनका डाइजेशन इज बोथ इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेल्युलर. नेक्स्ट मूविंग ऑन. द मेन प्रॉपर्टी ऑफ टेनोफोरा इज बायोल्यूमिनेसेंस. द मेन प्रॉपर्टी इज बायोल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस इज द एबिलिटी टू एमिट लाइट. ओके, सो ये कैसे ना पानी के अंदर चमकते हैं रेडियम की तरह. बायोल्यूमिनेसेंस किसकी प्रॉपर्टी है? टेनोफोरा की. याद रखो. नेक्स्ट इनके सेक्सेस, इनका जेंडर इज नॉट सेपरेट. हम इंसानों में कैसे मेल फीमेल अलग अलग होते हैं ना, इनमें मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जानवर में होते हैं. सो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. यानी ये कैसे है, ये बाइसेक्सुअल है. इनका फर्टिलाइजेशन जो है ना, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट कंबाइंस आउटसाइड द बॉडी. एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस होता है, उसका मेटामॉर्फोसिस होगा, फिर अडल्ट स्टेज आएगा. द अडल्ट स्टेज लुक्स टोटली डिफरेंट देन द लार्वल स्टेज. ओके, लास्ट एग्जांपल. एग्जांपल में वी हैव प्लूरो ब्रैकिया, दैट इज वन एग्जांपल, एंड टीनो प्लैना, दैट इज अनदर एग्जांपल. And in this photo, this photo that we see, this is a photo of midoblast. Okay? And this photo that we see, beta, this is a photo of pleurobrachium. ये सारे important points हैं बच्चों, आप लोग इसका photo ले लो. Okay? So that's all with the phylum Coelenterata and the phylum Deinophora. आई होप बच्चों आपको एक एक छोटी छोटी बात समझ में आई है, सारे टेक्निक्स याद रहेंगे. मन लगा के पढ़ते रहिए. रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो. थैंक यू.